Good afternoon, guys. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. यारो, दोस्तों, मित्रों, साथियों, सभी लोग कैसे हो? How are you guys? मेरे मित्रों, मेरे यारों, मेरे साथियों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, सभी लोग, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी लोग? लाइफ कैसी चल रही है आप सभी की, ये चीज बताइए मुझे, ये चीज बताइए. कैसे हो सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? कैसे हो? बताओ मुझे. कैसे हो? तौबा. कैसे हो सभी लोग? ओके, तो यहां पे हमारे पास फाइनली आ गया है हमारा ये डिस्प्ले. परफेक्ट सर, ये यहां पे ऐसा आड़ा टेढ़ा क्यों दिख रहा है? हो जाएगा, सब सही हो जाएगा. बिल्कुल टेंशन नहीं लेना. नहीं बच्चों, डरना क्यों नहीं है सर. आज कौन सा दिन है? आज है होली. मतलब आज क्या होता है सर? होली के दिन होती है बुराई पे अच्छाई की जीत होती है सर. होली के दिन क्या होता है? बुराई पे अच्छाई की जीत होती है. यस, आज है होली. तो होली के दिन हमने कोई भी चीज से डरना नहीं है. क्यों? क्योंकि आज क्या होगा सर? आप गायब हो गए. मैं गायब नहीं हुआ, मैं आ गया. देखो, आज के दिन क्या होगा? आज के दिन होगा बुराई पे अच्छाई की जीत. यस सर, बिल्कुल सही. ओ माय गॉड, ये देखिए, यहां तो पीछे, अब आपके पीछे पूरी स्क्रीन आ गई. सभी को दिख रही है तो बताइए, इज इट विजिबल टू एवरीवन? बताओ. यस, विजिबल टू एवरीवन. Yes, मित्रों, सभी को दिख रहा है. यस, जी सर, आप दिख रहा है, आप परफेक्ट दिख रहा है. ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है. तो कैसे हो यारो? होली कैसी चल रही है सभी की? हाउ इज योर होली गोइंग ऑन गाइस? कैसी चल रही है? आई होप होली एकदम जबरदस्त चल रही हो. सर क्या जबरदस्त? होली अगर जबरदस्त चल रही होती तो सर हम क्या ये क्लास में बैठे होते? अरे ये क्लास तो आपकी केवल एक घंटे की क्लास है, बाकी टाइम तो आप होली मना ही सकते हो ना. जी सर, बाकी टाइम तो हम होली मना ही सकते हैं. किन किन ने आज रंग भरी होली खेली? कौन कौन ऐसे लोग है जिन्होंने यहाँ पे आज रंग भरी बढ़िया होली खेली, बट घर पे ही खेली? बाहर वालों के साथ जाके ना खेली हो तो ज्यादा अच्छा. सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना हमारे लिए जरूरी है, राइट? तो यहां पे मेरे साथ कौन कौन आ चुका है? सबसे पहले ललित आया है, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर. आ गया मैं ललित. वानी आई है, कह रही है गुड आफ्टरनून. इंडियन आइडल अल्टीमेट एडिशन देखे ललित सर का? अरे मेरा इंडियन आइडल अल्टीमेट एडिशन यार तुमने बना दिया, क्या बोलू मैं. एडिशन नहीं, ऑडिशन था. यस, तो फिर और सचिन आए हैं मेरे साथ, गुड आफ्टरनून कह रहे, वेरी गुड आफ्टरनून सचिन. करण सेन, सर नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा? इसके बाद बड़ा ही जोरदार चैप्टर करेंगे हम, कंसोलिडेशन. नेगेटिव रिजल्ट को भूलकर आज फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दी. वेरी गुड ललित, ये हुई ना बात, बुराई पे अच्छाई की जीत होगी आज. आज है होली. डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली. रंग में है प्यार की बोले. और फिर कौन आ गया? प्राची आई है, क्या मैं लेट हो गई? नहीं, आप नहीं भी आती तो भी दुख नहीं होता था. हाय भैया, हेलो दीदी, प्राची दीदी कैसी हो आप? संकेत सर कितना लेट करते हो. अरे क्या करूं संकेत, आप खुद ही देख रहे हो, ये डिस्प्ले की दिक्कत आती है यार. यहाँ पे डिस्प्ले की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है. मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं बट ये डिस्प्ले की दिक्कत ही इतनी आती है. मैं क्या करूं, आप ही बताओ क्या करूं. हाँ मैं किसी से नहीं डरती, मैं खुद ही डरावनी हूं. हाँ तो फिर मिरर में मत देखना खुद को, और स्पेशली कभी मेकअप करके तो मत देखना, एकदम चिल्ला दोगी. ओके चलिए, सर कैसा लगा वीडियो? अरे बड़ा जोरदार था. अभिजीत, क्या मनाए होली जब वो किसी और
की होल। ओ हो, अभिजीत होली क्या मनाए, ये बोलते हैं क्या मनाए होली जब वो ही किसी और की होली। ओहो गहराई में घुस गए हो, गहराई में। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। करण पूछ रहे इस चैप्टर के कितने लेक्चर्स आएंगे। अमेलगमेशन, अभी हमारा करंट अमेलगमेशन चैप्टर चल रहा है, उसके काफी लेक्चर्स हो भी गए, 3-4 लेक्चर और आएंगे। कंसोलिडेशन के हमारे 6-7-8 लेक्चर कुछ आएंगे, तो उसमें हमारा कंसोलिडेशन भी हम कर लेंगे। प्राची कह रही है नहीं खेली, अच्छी बात। सचिन कह रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पढ़ा। अरे मेरे भाई सचिन, तू कहां से क्या डाउट लेके आ जाता है? अरे भाई तू क्यों ऐसा करता है सचिन, तू क्यों ऐसा करता है, मुझे ये चीज बता, तू क्यों ऐसा करता है? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स तो ग्रुप 1 का चैप्टर है भाई, ग्रुप 2 पे कैसे पढ़ाऊ यार? अरे सचिन सचिन, ये जानबूझ के पूछा था ना तुमने कि सर को ट्रोल करेंगे, ये आपका जेन्यून डाउट नहीं था ना? बता मुझे, ये जेन्यून डाउट नहीं था ना, ये जेन्यून क्वेरी नहीं थी ना, ये खाली मेरी गेम लेने के लिए आपने पूछे ना? बोलो बोलो बोलो, आप अगर ये बोल देते हो हाँ सर गेम लेने के लिए, तो मुझे एक्सेप्टेबल रहेगा। बट ये जेन्यून डाउट कैसे मैं एक्सेप्ट करूं कि कोई बच्चा ग्रुप 1 के चैप्टर को ग्रुप 2 का चैप्टर बोल के बोल रहा है पढ़ाओ? अरे मेरे भाई ऐसा नहीं होता ना, क्यों ऐसा करता है? क्यों 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 क्यों? अकाउंट्स का रंग, टैक्स कॉस्टिंग की पिचकारी, ऑडिट का भंग, सॉरी ऑडिट का वो भंग मैंने बोला है, बट वो भंग ही रहने दो, ठीक है? हाँ, EISSM की ठंडाई, FM का जाम, स्टूडेंट की सतरंगी टोली, लॉ की रंगीन बोली, यही है CA स्टूडेंट की असली होली। माँ कसम मेरे भाई, माँ कसम, ये तो एकदम गहराई में गया तू। अरे माँ कसम ललित, वाह 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 ललित मेरे भाई, वाह, टू गुड। वरुण आए हैं आज काफी दिनों बाद, नमस्ते मेरे भाई वरुण, नमस्ते नमस्ते, कैसे हो कैसे हो? नीरज बोल रहे हैं नौरा मैम ने क्या बोली सर, आप पे इंडिया को प्राउड होना चाहिए। नौरा मैम तो यार बहुत खुश है, वो क्या रोज रोज थोड़ी तारीफ करेंगी, बहुत खुश है वो। आपने होली खेली आज नौरा भाभी के साथ? कल शाम को थोड़ी बहुत खेला था, फिर रंग वाली होली कल शाम को ही खेला था, वो होली का दहन होने के बाद। आज सुबह से मैं रंग वाली होली नहीं खेला, क्योंकि क्या घर पे जो अभी ऐसा वातावरण है कि थोड़ा थोड़ा डिस्टेंसिंग रखो वैसा, तो इसलिए फिर घर पे बहुत ज्यादा आज होली का माहौल नहीं है। थोड़ा बहुत इवनिंग में बस ऐसा फैमिली का पूरा गेट टुगेदर होगा, बाकी रंग वाली तो उतना नहीं खेलेंगे मुझे ऐसा लगता है आज। ओके सचिन, बैंकिंग कंपनी पढ़ाना, चलो ये चैप्टर जो आपने बोला ना सचिन, ये जो चैप्टर बोला ये करवा सकते, क्योंकि ये ग्रुप 2 का है, वो भी करवाएंगे ना सचिन? यार थोड़ी कोई एग्जाम को 10 दिन बचे कि अब गिन चुन के हम कुछ क्लासेस कर सकते, करेंगे सारी चीजें करेंगे, टेंशन मत ले। प्राची कह रही है सर राखी के साथ होली खेलिए। यस प्राची, आपकी राखी आज मुझे मिल गई, आपकी राखी मैंने हाथों पे बंधवा ली, ये देखो ये रही राखी, ये रही राखी, आपकी भेजी हुई राखी मैंने हाथों पे बंधवा ली, तो राखी के साथ आज रक्षाबंधन और होली दोनों त्योहार हुआ। यस सच अ ग्रेट वॉइस मुदित भाटी, होली की फोटो ली थी कोई नौरा भाभी के साथ होली की फोटो? अरे यार देखो मैं ना ऐसा बहुत ऐसा फोटोज वोटोज डालना ना सोशल मीडिया वगैरह पे पसंद नहीं करता, वो क्या है ना यारो, वो फोटोज वोटोज डाल दो ना तो फिर सभी लोग ऐसे बहुत सारे कमेंट्स करते, फिर मैसेजेस आते, फिर ऐसा वैसा ये वो, तो हम कोशिश करते हैं कि हम सोशल मीडिया पे ऐसे साथ में फोटोज ना डाले, दैट्स व्हाट वी ट्राई, ऐसी हमारी रहती है कोशिश, ऐसी हमारी कोशिश रहती है। यस तो वो कोशिश हमारी चलती रहती है। ओके अभिजीत कह रहे हैं हेलो सर, हेलो अभिजीत। ओके चलिए चलिए चलिए, तो अब क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, अब आज की हमारी इस क्लास की करते हैं शुरुआत, आज की इस क्लास की करेंगे शुरुआत आप सबके साथ, आप सबके साथ। आज हम क्या पढ़ेंगे वापस, आज हम वापस पढ़ेंगे अमैलगमेशन। क्या चीज पढ़ेंगे? अमैलगमेशन, अमैल गमाल ममेशन, ठीक है? अमैल गमाल
ममा मेशन, ये चैप्टर हमने पढ़ना है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, जिसको आप लोग सरल भाषा में कहते हो अमैलगमेशन। यह सरल भाषा में आप कहते हो अमैलगमेशन, ये वाला चैप्टर हमने आज पढ़ना है। नौरा मैम नागपुर आती तभी टेम्परेचर हाई है नागपुर का। अरे 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 बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हाई है नागपुर का टेम्परेचर, एकदम गर्मी तप रही है यहाँ पे। प्राची कह रही है मेरे को राखी का गिफ्ट चाहिए आपको, मैंने पहले ही 11 रुपए भिजवा दिया था। जिस दिन से आपने बोली थी कि सर मैं आपको राखी भिजवा रही हूं, मैंने उसी दिन से आपको 11 रुपए भिजवा दिया था। आपका बैंक स्टेटमेंट चेक कीजिए, राखी बोल रहा हूं प्राची। मैं स्पैम करूंगी यहां, मैं ब्लॉक करूंगा यहां, सो सिंपल। अयान खान सर आप एडवांस अकाउंट्स का कंप्लीट रिवीजन कराऊंगे, यस बिल्कुल सही, मुझे गिफ्ट चाहिए, जाओ ले लो, जाके ले लो ले लो ले लो, बिल्कुल ले लो बिल्कुल ले लो बिल्कुल ले लो। हम तब तक क्या स्टार्ट करते हैं हमारे आज के चैप्टर के साथ, अमैलगमेशन। अमैलगमेशन का जो हमारा चैप्टर है उसमें क्या चीज हम पढ़ेंगे, आज की क्लास चालू करें उसके पहले आज का हमारा रिचुअल हम पूरा कर लेते हैं, जो है रिगार्डिंग प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ये जो चीज है ना गाइज, ये लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वाई सो क्योंकि प्लस एंड आइकॉनिक के आपको फायदे बड़े अनेक है। प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के फायदे आपके बहुत अनेक है, वो फायदे बताओ उसके पहले मुझे बस एक मस्किटो मारने दो यार, बड़ा परेशान कर रहा है मुझे ये, मार दिया मैंने मस्किटो को, ही इज नाउ डेड, मे हिज सोल डाई इन हेल। मार दिया मैंने 2 से 3 मस्किटोस को मार दिया यार, पैर के आजू बाजू घूम रहे पढ़ाने नहीं दे रहे, मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और मुझे काटते जा रहे। अरे कुत्ते थोड़ी है ये जो काट रहे हैं, पर समझते नहीं है ये। एक और आया, इसकी भी शामत आ गई है, वाह ये तो पूरा ही मर गया, ये तो अब अगले 7 जन्म भी मरा हुआ ही पैदा होगा। ओके तो देखिए गाइस होता क्या है, अब प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की जब बात करो ना, प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की, वहां पे ना आपका पूरा जो सिलेबस है एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड मैनर में होता है। इट इज कंडक्टेड इन अ वेरी वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर, मतलब क्या, यूट्यूब और स्पेशल क्लासेस पे जब हम फैकल्टीज आके आपको पढ़ाते हैं तो हम इंडिविजुअली अपना अपना कंटेंट खुद डिसाइड करके खुद अपने हिसाब से पढ़ाते हैं। सो फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू द कोर्स और द एंटायर सिलेबस दैट इज कंडक्टेड ऑन यूट्यूब और स्पेशल क्लासेस इज वेरी अनस्ट्रक्चर्ड, ठीक है। आपको इसमें खुद की पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, खुद पूरा डेटा माइनिंग करना पड़ता है, एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है, मुझे कौन सा डेटा कहां से लेके कैसे पढ़ना है। प्लस एंड आइकॉनिक में आपको ये दिक्कत नहीं होती है, प्लस एंड आइकॉनिक में आपकी ये दिक्कत नहीं होती है। यहां पे आपको जो हम डेटा देते हैं, जो हम आपको पढ़ाते हैं, जो टीचिंग करते हैं, वो सारी फैकल्टीज एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको पढ़ाती है, जिसमें स्टूडेंट को केवल लर्निंग पे ध्यान देना है। यूट्यूब और स्पेशल क्लास की आप क्लासेस देखते हो तो आपको पूरा डेटा, कौन सा यूज करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सी क्लासेस देखना है नहीं देखना है, वो सारी चीजों पर भी बहुत वर्कआउट करना पड़ता है। सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर, हम जितनी फैकल्टीज है वी आर डिवाइडेड इनटू वेरियस टीम्स, All these faculties are divided into various teams. अब हम जो अलग अलग टीम्स है ना, सारी टीम्स आपके लिए courses और batches design करती है। Individual courses and batches every single team will design for you. और ये जो हमने courses और batches design किए हैं, इसमें आपके लिए CA Inter के 8 subject ये सारी teams लेके आती है, right? So what you have to do is you just have to take one single subscription of an academy. एक single subscription लेने पे आपको सारी teams के सारे courses और batches का access मिल जाता है, ठीक है। अब आप इसमें से चाहो तो आप यहां से कोई 4 faculty का पढ़ लो, यहां से कोई 2 faculty का पढ़ लो, यहां से कोई 2 faculty, आप चाहो तो पूरा एक टीम से पढ़ो, आप चाहो तो 2 team से पढ़ो, आप चाहो तो 3 team से पढ़ो। यू कैन कस्टमाइज द सिलेबस द वे यू वॉन्ट टू, ठीक है। यहां पे आपको ये दिक्कत नहीं है कि मैं ये लेक्चर देखूं या नहीं देखूं, आप जो लेक्चर देखो आपके लिए वो प्रॉपर लेक्चर है। आपके पास ऑप्शंस है कि आपको बेस्ट स्ट्रक्चर्ड स्टडीज में भी कौन सी फैकल्टी से पढ़ना है, यस। सो आपके पास यहां पे मल्टीपल टीम्स के ऑप्शन है, आपको अनअकैडमी का एक ही क्या लेना है, यहां पे सब्सक्रिप्शन लेना है,
और ये एक जो अभी आपका सब्सक्रिप्शन है ना, ये एक सब्सक्रिप्शन जो हम हाईएस्ट ऑफर करते हैं वो है 24 मंथ्स का, जो आपको टोटल 21,000 रुपए में मिलता है। मतलब 21,000 रुपए में आपको सारी टीम्स के, सारे फैकल्टीज के, जो सारे बैचेस है, सारे बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। अगर आप मई 21 के लिए ले रहे हो तो ना केवल मई 21 बट अभी करंटली नवंबर 21 की बैच चल रही है वो भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। जो पिछली बैचेस हुई थी वो भी सारा एक्सेस मिल जाएगा, आपको पूरा एक्सेस मिलता है, राइट? तो हमारा जो 24 महीने का ऑफरिंग है वो 21,000 में हम देते हैं, और वो 21,000 पे भी हम आपको एक एडिशनल बेनिफिट देते हैं 10% डिस्काउंट का, जो ये कोड लगाने से आपको मिलता है। तो ये 21,000 पे जब आप ये कोड लगाते हैं तो 10% ऑफ होने के बाद आपके लिए ये 18,900 का हो जाता है, राइट? 18,900 का आपके लिए हो जाता है। तो 18,900 में आपको अन अकेडमी की जितनी टीम्स है उनकी सारी फैकल्टीज के कोर्सेज या बैचेस का एक्सेस मिलता है फॉर 8 सब्जेक्ट्स फ्रॉम मल्टीपल फैकल्टीज, जस्ट 18,900 इज नो कॉस्ट, राइट? मेक श्योर कि आप वो 10% डिस्काउंट का बेनिफिट जरूर ले। आपको वहां पूछते रेफरल कोड, जहां पे रेफरल कोड पूछते हैं ना, वहां पे आपने ये कोड डालना है TEJAS10, जिससे आपको 10% ऑफ मिलता है, गाइस। राइट ओके चलिए, तो ये हुआ हमारे अनअकैडमी प्लस एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में। एट द सेम टाइम आपको बता दूं कि सब्सक्रिप्शन के प्राइजेस बहुत जल्द बढ़ने वाले हैं, अगर आप यहाँ पे देखते हो, ये हमारे करंट प्राइजेस है, दीज आर आर करंट प्राइजेस, मतलब बिफोर प्राइजेस, दीज आर द आफ्टर प्राइजेस, मतलब बढ़ने के बाद जो प्राइजेस रहेंगे वो, ये हमारे करंट प्राइजेस है, ये हमारे इंक्रीज्ड प्राइजेस है। तो आप देखिए, जो करंट में आपको 18,900 में सब्सक्रिप्शन 24 महीने का मिल रहा है, आगे जाके 24,300 में मिलेगा। बढ़ने के बाद भी ये रेट्स इंडिया में कोई मैच नहीं करता है, दीज रेट्स आर अनपैरेलल्ड, ये रेट्स कोई भी मैच नहीं करता है, दीज आर अनपैरेलल्ड रेट्स। बट मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि जब ऑलरेडी 5,400 रुपए से करंट रेट्स कम है, तो इसी में सब्सक्रिप्शन क्यों ना लेना। सिंपल सी बात है। यस ओके तो चलो, अब आता हूं मैं हमारे चैप्टर पे, जो है अमालगमेशन। इसमें हम लास्ट क्वेश्चन क्या किए थे सर? हम ये वाला क्वेश्चन किए थे, जो कौन सा क्वेश्चन था हमारा, इलस्ट्रेशन नंबर फाइव था। हमने ये वाला क्वेश्चन सर स्टार्ट किए थे इन द लास्ट क्लास। यस, हमने इलस्ट्रेशन नंबर फाइव स्टार्ट किए थे हमारी पिछली क्लास में। इसमें हमने इलस्ट्रेशन नंबर फाइव में क्या किए थे, हमने यहां पे अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, इससे क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। यस, कौन कौन था उसमें? इतेशा हाथ उठा रही है। ओके कैन बी सेम सचिन और ऑल्सो डिफरेंट। अच्छा, यहां पे क्या हुआ, कौन क्या पूछ रहा है? 11 रुपए को प्रसाद चढ़ता है, ये 11 रुपए का गिफ्ट का सिस्टम कब से चला? मुदित, वो एक्चुअली क्या है, प्राची जो यहाँ पे हमारी स्टूडेंट है ना, उसने मुझे राखी भेजी थी तो गिफ्ट तो देना पड़ता है ना बहनों को, तो मैंने 11 रुपए का उन्हें गिफ्ट दिया था, समझे? तो इसलिए मैंने उनको 11 रुपए भिजवाए थे। प्राची बताओ, भिजवाए थे कि नहीं? प्राची भी अग्री करेगी। इंटर्नशिप का मौका मिला है MEA में, वेरी गुड। किसको मिला, कहाँ मिला, कैसे मिला? लेट्स सी वॉट हैपेंड। ये फैकल्टी की ड्राइंग में एक मैम भी बनाओ, ये जो ड्राइंग है ना, ये ऐसा मतलब जेंडर बेस्ड ड्राइंग नहीं है, ठीक है? ये ह्यूमंस है, ये मेल्स या फीमेल्स की ड्राइंग नहीं है बच्चों, ये ह्यूमंस की ड्राइंग बनाई थी मैंने, तो उसमें मेल फीमेल का बाइफर्केशन मत करो। क्या मेल फैकल्टी, क्या फीमेल फैकल्टी, फैकल्टी तो आपको पढ़ा रही है ना, ह्यूमन बीइंग आपको पढ़ा रहा है। आप बात की गहराई को समझो यार, आप लोग तो मेल फीमेल में ही अटक जाते हो। ओ हो, का कोई कोड जिससे स्पेशल डिस्काउंट मिल जाए? नौरा का भी कोड TEJAS10 ही है। परचेज कंसिडरेशन सेम होगा क्या मर्जर और परचेज में? परचेज कंसिडरेशन में देखिए, परचेज कंसिडरेशन मैंने आपको सबसे पहले जब पढ़ाया था सचिन, तो मैंने बोला था सबसे पहले आपने परचेज कंसिडरेशन देखना है,
फिर आपने उसका डिस्चार्ज देखना है, पहले कैलकुलेशन फिर डिस्चार्ज, उसके बाद तीसरी चीज नेचर ऑफ अमैलगमेशन देखना है। मैं नेचर ऑफ अमैलगमेशन देखो, उसके पहले मैंने परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना है। तो अब आप ही मुझे बताइए कि मर्जर रहा या परचेज रहा, ये जो नेचर है, ये नेचर ऑफ अमैलगमेशन से क्या हम परचेज कंसिडरेशन में कुछ भी डिफरेंस लाएंगे? नहीं। परचेज कंसिडरेशन हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसका डिस्चार्ज, उसके बाद हम क्या करेंगे, नेचर ऑफ अमैलगमेशन पे फोकस करेंगे। ओके, क्लियर विद दिस? क्लियर विद दिस? यस प्राची, वो इंडियन आइडल विद तेजस सूचक देखी, एंडिंग स्पेशल है। अच्छा, वैसी बात है, एंडिंग स्पेशल है। यस, एंडिंग बहुत स्पेशल है। संकेत, कुछ भी गलत गलत जवाब मत दो, जिस चीज का नॉलेज नहीं है उस चीज के बारे में दूसरों को कंफ्यूज मत करो प्लीज। परचेज कंसिडरेशन सेम होगा क्या? बता दिया मैंने। सिमी कह रही है आई वॉज प्रेजेंट, इट कैन बी सेम। संकेत मेरे भाई, गलत गलत जवाब मत दे, मेरे को पूछा है, मैं सर हूं, तू स्टूडेंट है, तू रहने दे, तू पढ़ने आया है, तू पढ़, तू ज्ञान मत दे। ओके, नागासाई हाय। नीरज कह रहे एक दिन में। ओके, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, यहां पे क्वेश्चन का पार्ट टू सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का पार्ट टू, अमैलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज, अमैलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज, ठीक है, अमैलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज। हमने लास्ट किया था इन द नेचर ऑफ मर्जर, अब क्या करेंगे, इन द नेचर ऑफ परचेज, परचेज, परचेज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, व्हेन अमैलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज, तब 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 हमने क्या चीज करना है। अब मुझे बताइए, मैं जब भी बोलता हूं अमैलगमेशन का क्वेश्चन, तो सबसे पहली चीज मैंने काय पे फोकस करना है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव टू फोकस ऑन? सर, सबसे पहली चीज जो आपने बताया था, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, कैलकुलेशन ऑफ पीसी, आपने सबसे पहली चीज ही यही बताए थे। यस, मैंने आपको फिर क्या बताया था, मैंने बोला था दूसरी चीज होती है डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन, व्हाट इज द सेकंड थिंग, डिस्चार्ज ऑफ पीसी, दिस इज द सेकंड थिंग, डिस्चार्ज ऑफ पीसी। फिर तीसरी चीज थी हमारा क्या, तीसरा चीज था नेचर ऑफ अमैलगमेशन, मतलब मर्जर या परचेज, नेचर ऑफ अमैलगमेशन। और फिर लास्ट चीज हमारी क्या थी, हमारा लास्ट चीज था अकाउंटिंग फॉर अमैलगमेशन। तो अभी मैंने क्या करना है, अकाउंटिंग फॉर अमैलगमेशन हमारा चौथा चीज है, तो मैंने क्या करना है, जब मैं अमैलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज के लिए सॉल्व कर रहा हूं, तो वापस मैंने चारों चीज स्टार्टिंग से देखना है, वापस मैंने क्या करना है, चारों चीजों को स्टार्टिंग से देखना है। सर, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अब क्वेश्चन में देखो, मुझे परचेज कंसिडरेशन के रिगार्डिंग डिटेल्स ऑलरेडी दी हुई है। क्या बोलते हैं कि यहां पे X लिमिटेड टेक्स ओवर Y लिमिटेड, मतलब Y लिमिटेड को ये टेक ओवर कर रहा है। जी सर, उसके लिए इशूड 350,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ Y लिमिटेड। मतलब क्या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अवेलेबल है? यस सर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मेरे पास अवेलेबल है, आई हैव द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स विथ मी। यस सर, ये चीज अवेलेबल, ये चीज अवेलेबल, ये चीज अवेलेबल। अब दूसरी चीज क्या बोला है, इशूड 15% प्रिफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच टू डिस्चार्ज द प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ Y लिमिटेड एट 10% प्रीमियम। सर, प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या दिया है, 15% प्रिफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच टू डिस्चार्ज द प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ Y लिमिटेड एट 10% प्रीमियम। सर, क्या यहां पे नंबर अवेलेबल था? यस सर, हमने लास्ट क्लास में ही देखा था, यहां पे भी हमारा नंबर अवेलेबल था। तो सर, ये परचेज कंसिडरेशन कौन सी मेथड से हुआ? सर, ये क्या पेमेंट मेथड से हुआ परचेज कंसिडरेशन या नेट असेट्स टेकन ओवर? सर, जब कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन देखते हैं तो वो पेमेंट मेथड से माना जाएगा, अगर हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स, अमाउंट ऑफ कैश की डिटेल है। ये तीन चीज की अगर डिटेल है तो हम बोलेंगे हमारा पीसी पेमेंट मेथड से। यहां पे सर नंबर ऑफ शेयर्स की डिटेल है, यहां पे भी नंबर ऑफ शेयर्स की डिटेल है, तो दोनों मिला के मेरा क्या हो जाता है सर, ये पेमेंट मेथड होता है सर। और पेमेंट मेथड से मैंने परचेज कंसिडरेशन पहले ही निकाल लिया है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को हमने 3.5 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए के दिए हैं, 35 लाख हो गया। प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स को 15% प्रिफरेंस शेयर कैपिटल दिया है,
इनको कितना दिया है टोटल? सर इनको 17 लाख देना था 10% प्रीमियम पे, मतलब 18,70,000 देना था, इतने का इनको कंसिडरेशन था, और उनको नंबर ऑफ शेयर्स कितने गए? 18,700 शेयर गए। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 53,70,000, 53,70,000, 53,70,000। ये चीज क्लियर है सबको? ये चीज क्लियर है सबको? 100% क्लियर है सबको? एवरीबडी क्लियर विद दिस? एवरीबडी 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 सभी लोग को क्लियर ये चीज? ये हमारी पिछले क्लास की बात थी, ये हमारी पिछले क्लास की बात थी जो मैंने यहां पे आपको बताई रिगार्डिंग व्हाट? कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अब सर देखो, मर्जर रहा, परचेज रहा, कैलकुलेशन ऑफ पीसी में कोई भी फर्क नहीं आया। मर्जर में भी वही था, परचेज में भी वही था, उससे कोई फर्क नहीं आया। दूसरी चीज हमने क्या करना है? डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन, डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन। सर आपने पहले ही एक चीज बताई थी जहां पे हमारा कैलकुलेशन ऑफ पीसी पेमेंट मेथड से होता है, तो डिस्चार्ज भी हमारा क्या होता है? जो कैलकुलेशन है उसके जैसा ही सेम होता है। तो हमारा डिस्चार्ज ऑफ पीसी भी हमने ऑलरेडी कर लिया है, ऑलरेडी कर लिया है। आप तीसरी चीज मैंने क्या देखना है? कैलकुलेशन हो गया, डिस्चार्ज हो गया, तीसरी चीज मैंने देखना है नेचर, नेचर ऑफ अमेलगमेशन मेरा क्या रहेगा? व्हाट इज माय नेचर ऑफ अमेलगमेशन? तो गाइस मेरा नेचर ऑफ अमेलगमेशन क्या चीज रहेगा, क्या चीज रहेगा, क्या चीज रहेगा? इट विल बी दिस टाइम इन द नेचर ऑफ परचेज। अब यहां से मेरी चीजें होती है चेंज, यहां से मेरी चीजें होती है चेंज, कहां से? नेचर ऑफ अमेलगमेशन से। ठीक है सर, आई रेफर्ड योर मैराथन एंड स्पेशल क्लासेस एंड सिक्योर्ड एग्जेम्पशन, वेरी थैंकफुल, ऑसम लेक्चर्स एंड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। अरे क्या बात है कव्यल दिवेचा, हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, हार्टियस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी 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 हैप्पी फॉर यू, वेरी हैप्पी फॉर यू कव्यल दिवेचा, कीप गोइंग, कीप गोइंग अहेड इन लाइफ, आगे बढ़ते रहो, कीप हसलिंग, कीप वर्किंग हार्ड, बहुत सारा सक्सेस पाओ, एकदम 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 तूफान मचाओ जीवन में, तूफान मचाओ, तूफान मचाओ। हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस कव्यल फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स ओवर ईयर, सारे सारे स्टूडेंट्स की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी, वेरी हैप्पी फॉर योर सक्सेस, वेरी हैप्पी फॉर योर सक्सेस। ओके राइट, प्राची कह रही है सर क्या मुझे भी एग्जेम्पशन आएगा? पढ़ोगे, जैसे कव्यल ने पढ़ा सिंसियरली वैसे आप भी पढ़ोगे तो आपको भी आएगा, पढ़ोगे तो 100% आएगा, उसमें कोई दो बात नहीं है, कोई दो बात नहीं है, पढ़ो 110% आपको भी एग्जेम्पशन आ जाएगा प्राची, नथिंग टू वरी, नथिंग टू वरी, नथिंग टू वरी। ओके राइट 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 राइट, चलो तो यहां से आगे बढ़ते हैं। राइट चलो यहां से आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। अब हम ये क्वेश्चन को, हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ पीसी तो ऑलरेडी आ गया है, हमारे पास डिस्चार्ज ऑफ पीसी भी ऑलरेडी आ गया है, हमने अब क्या चीज से चालू करना है? सर हमने अब पॉइंट नंबर 3 यहां पे वापस करना है, एंड व्हाट इज द पॉइंट नंबर 3, व्हाट इज द पॉइंट नंबर 3, व्हाट इज द पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या है? पॉइंट नंबर 3 इज द नेचर ऑफ अमेलगमेशन, और नेचर यहां पे दिया है क्या चीज? नेचर यहां पे इन्होंने दिया है परचेज। तो सभी लोग मेरे साथ लिखेंगे नेचर ऑफ अमेलगमेशन इक्वल्स टू परचेज, नेचर ऑफ अमेलगमेशन इक्वल्स टू परचेज, नेचर ऑफ अमेलगमेशन इक्वल्स टू परचेज है। और चौथी चीज अब इसके लिए हमने अकाउंटिंग करना है, पॉइंट नंबर 4, अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन। जब मैं अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन की बात करता हूं, जब मैं अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन की बात करता हूं, तो इसमें क्या चीज करता हूं? अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन किसकी बुक्स में? इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड, राइट, इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड हमने करना है। तो यहां पे अब मैं इसकी जर्नल एंट्रीज करूंगा पास, आई विल पास द जर्नल एंट्रीज। अब सभी लोग ध्यान देना, क्योंकि जब मैं परचेज की बात करता हूं तो परचेज की मेरी जर्नल एंट्रीज थोड़ी सी अलग होती है, परचेज की जर्नल एंट्रीज थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ी सी अलग। सर सबसे पहली एंट्री क्या होती है यहां पे? सबसे पहली एंट्री क्या होती है? फर्स्ट एंट्री जो यहां पे होती है ना बच्चों, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, फर्स्ट एंट्री जो यहां पे होती है, दैट इज जो सेम वहां पे हमने मर्जर में पास की थी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट,
बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, हमने एक बिजनेस परचेज किया है तो बिजनेस परचेज को डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे? सर जो वेंडर कंपनी थी उनके ओनर्स को पैसा देना था, लिक्विडेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड, ओनर्स को हम बोलेंगे लिक्विडेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड। और टोटल कितना देना था? जितना परचेज कंसिडरेशन था उतना, जितना परचेज कंसिडरेशन था उतना, 53,70,000। ओके उसके बाद मैंने आपको मर्जर के टाइम पे बताया था हम क्या करेंगे। सर हमने वो तीन पेन्स खरीदी थी जिसको हमने ओवरऑल 30 रुपए से डेबिट किया था। यस, फिर हमने क्या किया था, पेन वन पेन टू पेन थ्री तीनों को अलग अलग दिखाया था, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए, और जो ये टोटल डेबिट किया था उसको फिर लास्ट में हमने कर दिया था क्रेडिट 30 रुपीज से। तो यहां पे भी वही चीज करेंगे, जब हमने पूरा परचेज एक साथ किया तो इसको ओवरऑल डेबिट करके दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, सारी चीजें बाइफोकेट करेंगे, सारे असेट सारे लाइबिलिटीज जो लिए एक एक करके बाइफोकेट करेंगे और लास्ट में हम इसको क्या कर देंगे, इसको कर देंगे क्रेडिट। सेम जो मैंने यहां पे आपको समझाया था लास्ट क्लास में, सेम लॉजिक यहां पे भी लगेगा। तो बताओ मुझे कौन से हमने असेट्स लिए, सर नीचे आपने सारे लिखे हुए, देखिए मैंने लैंड एंड बिल्डिंग लिया हूं, प्लांट एंड मशीनरी लिया हूं, फर्नीचर लिया हूं, ये असेट्स लिया हूं, ठीक है। तो इसको मैं यहां पे पूरा लिख लेता हूं, एक एक करके सभी लोग मेरे साथ लिखेंगे, कोई भी शॉर्टकट मत करना। ये देखो मैंने यहां पे लिखा लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट किया, प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट किया, फर्नीचर को डेबिट किया, सबको एक साथ लिखा हूं। यस देखो अभी के अभी यहां पे सारा मैंने लिखा, ठीक है। उसके बाद नीरज पूछ रहे वेंडर भी लिख सकते हैं, अगर वेंडर का नाम दिया है तो नाम लिखो ना, है कि नहीं। अगर मैं बोलूं स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू स्टूडेंट थ्री, अरे स्टूडेंट का नाम है तो सर स्टूडेंट का नाम भी बोल दो, है कि नहीं। मैं बोलूं नीरज, मैं बोलूं रोहित शर्मा, मैं यहाँ पे बोलूं प्राची, मैं यहाँ पे बोलूं काव्याल, मैं सबका नाम लूं तो यार अच्छी बात है ना, सबके नाम मुझे पता है तो, है कि नहीं। राइट। तो यहां पे फिर मैंने ये तीन असेट छोड़ के और बाकी भी कुछ असेट्स लिए थे, इसको भी मैं क्या कर लेता हूं, इसको भी मैं पूरे एक साथ यहां पे एक के बाद एक अच्छे से लिखूंगा। सभी लोग जो स्पीड में मैं लिख रहा हूं उस स्पीड में आप लोग भी लिखिए, सारे लोग सभी लोग लिखो मेरे साथ, आई होप आप लोग लिख रहे हो। मेरे सारे असेट्स लिख के हो गए, देखो मैंने सारे असेट्स लिख लिए यहां पे। आप लोग ने लिखे क्या? देखो आप लोग ना सिंसियरली काम नहीं करते हो इसलिए पीछे छूट जाते हो, मैंने सिंसियरली सारी चीजें लिखी तो देखो मेरी लिख के भी होगी। तो सर हमने सारे असेट्स जो जो लिए थे सारे असेट्स को देखो यहां पे डेबिट कर दिया। वाओ सर आपने कितना बढ़िया काम किया हो, आपने इतना फास्ट कैसे लिख लिया बेटा, ये प्रैक्टिस के साथ आता है, प्रैक्टिस, समझे, ये प्रैक्टिस के साथ आते। फिर हमने लाइबिलिटीज भी लिए, यस सर लाइबिलिटीज भी लिए, तो अब हम क्या करेंगे, लाइबिलिटीज भी लिखेंगे सारी। ये देखो हमने पहले यहां पे लिखी थी लाइबिलिटीज, हमने यहां पे पहले लाइबिलिटीज लिखी थी, अब क्या करता हूं मैं यहां पे देखो सारी लिखना चालू कर दिया, एक एक करके मैं लिख रहा हूं बच्चों, मैं लिख रहा हूं दोस्तों, मैं लाइबिलिटीज लिख रहा हूं, हो गया लिख लिया। वाओ सर सो फास्ट सर कैसे बच्चों, ये आता है प्रैक्टिस के साथ। प्रैक्टिस करोगे जितना उतना फास्ट कर पाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना फास्ट। ओके चलो, तो अब देखो सर हमने क्या लिए थे, हमने सर वेंडर कंपनी मतलब वाई लिमिटेड के सारे असेट्स लिए थे, यस। सारी लाइबिलिटीज ली थी, यस। तो वो चीज हमने लिख दिए, यस सर। ये छोड़ के भी कुछ लिया था क्या, हम यहाँ पे कौन से नेचर का अमेलगमेशन कर रहे हैं बच्चों, ये चीज बताइए। सर हम यहाँ पे जो अमेलगमेशन कर रहे हैं ना, ये हमारा अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है। सर आपने क्या पढ़ाया था, जब अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हो तो हमें क्या करना पड़ता है, अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हो तो हम असेट्स को लेते हैं, सिलेक्टेड असेट्स, हम लाइबिलिटीज को लेते हैं,
सिलेक्टेड लाइबिलिटीज। और रिजर्व हम कौन से वाले लेते हैं सर? रिजर्व केवल स्टैट्यूटरी रिजर्व टेक ओवर किए जाते हैं, केवल स्टैट्यूटरी रिजर्व टेक ओवर किया जाता है, केवल स्टैट्यूटरी रिजर्व। मतलब क्या सर, जो फ्री रिजर्व है वो सब टेक ओवर किए जाएंगे क्या? नहीं सर। जो सर सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह वो सब टेक ओवर किया जाएगा क्या? नहीं सर, ये सारे रिजर्व को टेक ओवर नहीं किया जाता है, केवल जो हमारे स्टैट्यूटरी रिजर्व है ना इनको टेक ओवर किया जाता है, ये छोड़ के और कोई भी चीज को टेक ओवर नहीं किया जाता है। तो सर अब यहां पे देखो, यहां पे वाई लिमिटेड के कौन से रिजर्व्स दिए थे, ये रहे रिजर्व्स इन सरप्लस की पूरी डिटेल। सर जनरल रिजर्व दिया था, यस। एक्सपोर्ट प्रॉफिट दिया था, यस। इन्वेस्टमेंट अलाउंस दिया था, यस। पीएनएल दिया था, यस। इसमें से मुझे बताओ स्टैट्यूटरी आपको कौन से लग रहे हैं? जनरल रिजर्व क्या स्टैट्यूटरी है क्या? नहीं। पीएनएल क्या स्टैट्यूटरी है क्या? नहीं सर। ये दोनों जो रिजर्व्स है ना ये है हमारे स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, जो एज पर लॉ हमें बनाने जरूरी है। ये है हमारे स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, जो एज पर लॉ हमें बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ये एज पर लॉ बहुत ज्यादा जरूरी होता है बनाना, तो ये हमारे होते स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। तो सर कौन से रिजर्व्स टेक ओवर किए जाएंगे? केवल जो हमारे स्टैट्यूटरी रिजर्व्स है ना, केवल ये रिजर्व्स टेक ओवर किए जाएंगे। ओके सर, ये रिजर्व्स को टेक ओवर करने की क्या एंट्री? ये रिजर्व्स जो दो रिजर्व्स है उनको टेक ओवर करने की एंट्री मैं यहां पे बता रहा हूं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, अलग से एक तीसरी एंट्री लिखूंगा, ये सेकेंड एंट्री में मिक्स नहीं करूंगा। मैं जो रिजर्व्स टेक ओवर कर रहा हूं उसके लिए मेरी थर्ड एंट्री आएगी, अमेलगमेशन। मेरी सेकेंड एंट्री अभी कंप्लीट होनी बची है, बट रिजर्व्स की एंट्री मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व। टू इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व कितना कितना अमाउंट है सर? एक्सपोर्ट प्रॉफिट का मेरे ख्याल से 2 लाख, इन्वेस्टमेंट का 1 लाख, यस। तो लिख दो ये 2 लाख, ये टोटल 3 लाख हो गया, जिसमें से ये 2 लाख हो गया, और जिसमें से ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 1 लाख, जिसमें से ये हो गया हमारा 1 लाख रुपए, यस। तो ये चीज हमारी क्या हो गई, ये चीज हमारी क्या हो गई, ये हो गया रिजर्व टेक ओवर करने की। तो देखो अभी सेकेंड एंट्री में मैंने ऊपर ये पूरे असेट्स लिखे, यस। फिर यहां पे पूरी लाइबिलिटीज लिखी, यस। अभी भी ये एंट्री मेरी खत्म होनी बची है, बट मैंने आपको यहां पे क्या दिखाया कि मैंने यहां पे स्टैट्यूटरी रिजर्व टेक ओवर किया है। कौन से रिजर्व? स्टैट्यूटरी रिजर्व मैंने टेक ओवर किया है, और उसको कैसे दिखाया मैंने, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट में डेबिट करके, और स्टैट्यूटरी रिजर्व्स को मैंने अपनी बुक्स में कर लिया क्रेडिट। ये छोड़ के क्या जनरल रिजर्व पीएनएल वगैरह लूंगा क्या? नहीं सर, वो सारी चीज नहीं लूंगा। अब ये देखो मर्जर से कैसा डिफरेंट है। हमने पहले मर्जर की एंट्री में क्या किया था सर? ये देखो सारे असेट्स को डेबिट किया था, ये सारे असेट्स हो गए जिनको हमने डेबिट किया था। सर ये देखो सारी लायबिलिटीज को क्रेडिट किया था, सारी लायबिलिटीज थी जिसको हमने क्या किया है, क्रेडिट किया है। और ये देखो सर सारे रिजर्व्स है, सारे रिजर्व्स को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है, सारे रिजर्व्स को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया। यहाँ पे रिजर्व्स को हमने सेकेंड एंट्री में ही क्रेडिट कर दिया था, बट अभी मैंने आपको क्या बोला, इन केस ऑफ परचेज, जब अमेलगमेशन हमारा परचेज के नेचर का हो तो रिजर्व्स की एंट्री हम अलग से पास करते। ये देखो रिजर्व्स की एंट्री हम अलग से पास करते हैं, अलग से पास करते, रिजर्व्स की एंट्री को हम अलग से पास करते हैं। ये चीज हमेशा याद रखना। और यहां पे डेबिट कहां पे होता है? अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट में। डेबिट कहां पे होता है? अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट में। ये चीज क्लियर, ये चीज क्लियर, ये चीज क्लियर सभी को। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? ये चीज क्लियर राइट? सभी को, सभी को, सभी को क्लियर? यस, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए तो सर अब सेकेंड एंट्री को कंप्लीट कैसे करेंगे? तो सेकेंड एंट्री में देखो अब क्या बचा है, सारे असेट्स ले लिए, यस। सारी लाइबिलिटीज ले ली, यस। अब सर किसको क्रेडिट करेंगे? ये जो बिजनेस परचेज को डेबिट किया था ना, इसको अब यहां पे हम कर देंगे क्रेडिट। यहां पे मैं लिखूंगा टू बिजनेस परचेज,
बिजनेस परचेज कितना अमाउंट आएगा? सर ये आएगा 53,70,000। कितना अमाउंट आएगा? 53,70,000। सभी के दिमाग में गई ये एंट्री, सभी के दिमाग में गई। सेकंड और थर्ड एंट्री सभी को क्लियर? सेकंड एंड थर्ड एंट्री सभी को क्लियर बताइए गाइस। सेकंड एंड थर्ड एंट्री, इज दिस क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? ठीक है सर, सेकेंड एंट्री अब हमारी टैली हो या ना हो, टैली हो या ना हो वो कैसे पता करेंगे? मैं सिंपल बोलता हूं, अब क्या कीजिए, यहां पे जितनी डेबिट में चीजें हैं ना इसका टोटल निकालिए, आपकी क्रेडिट में जितनी चीजें हैं ना इसका टोटल निकालिए, और अब देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है। डेबिट का टोटल का डिफरेंस और क्रेडिट का टोटल का डिफरेंस मुझे निकाल के बताइए कितना आ रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टोटल्स? क्या डिफरेंस आ रहा है? What is the difference? Okay, very good. Simi कह रही है yes, रेशमा कह रही है yes, नीरज कह रहे जी, प्राची कह रही है absolute clear, Simi कह रही है yes sir, सूरज कह रहे yes, संकेत कह रहे yes sir जी, ओमकार कह रहे sir मेरा comment sir please। सर मेरा कमेंट ऊपर गया, रिप्लाई दो। ओमकार का क्या कमेंट है? सर प्लीज माजी कमेंट बग। अरे पन तुमची कमेंट का आहे, तुमची कमेंट कुठे आहे रे काका? तुमची कोई कमेंटच नहीं आहे ना, का बघू मी तुमची कमेंट? मजे क्या देखू तुम्हारी कमेंट में, मैं क्या देखू? अरे वापस लिखो यार, बहुत ऊपर देखा मेरे को नहीं मिला, वापस लिखो। इतनी मेहनत से तो आप वापस लिख लो, वापस वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मुझे बताइए तब तक बाकी लोग यहाँ पे टोटल में क्या डिफरेंस आ रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस इन द टू टोटल्स? बताओ। प्राची कह रही है छी मैं अपनी मराठी भूल जाऊंगी, भूलने के लिए पहले आनी चाहिए, लॉल। Simi कह रही है सर 3,80,000। अच्छा 3,80,000 से डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है, क्या ज्यादा है? डेबिट इज मोर और क्रेडिट इज मोर? व्हाट इज मोर? वानी भी कह रही है सर 3,80,000। व्हाट इज मोर, डेबिट और क्रेडिट? डेबिट और क्रेडिट क्या चीज ज्यादा है बताइए, दोनों में से क्या चीज ज्यादा है? सर मैं नवंबर वाला हूं, एडवांस अकाउंटिंग आपका रिकॉर्डेड देखू। कहां पे बात कर रहे हो, यूट्यूब पे, स्पेशल क्लास पे या प्लस या आइकॉनिक पे? चांगली मराठी बोलता तुम्ही, धन्यवाद रे भाऊ, धन्यवाद। नागपूरची मराठी आहे रे, ते जो फेक पीपल होता ना, ते प्राची नामचे फेक लोक, त्यांना चीजा मराठी वाणी नागपूरची समजती नाही, टोटल फेक पीपल। मला मराठी येते, आय एम मराठी। आप कैसे मराठी हो? मराठी तो लैंग्वेज होती है, लॉल। ओमकार कह रहे प्लस पे, ओमकार देख सकते हो, बट मैं कहता हूं कि यार नवंबर अटेम्प्ट दे रहे हो तो रिकॉर्डेड से अच्छा लाइव देखो ना, लाइव क्लास हो रही है, लाइव अटेंड करो। ओके क्या फेक क्या है इसमें? आप फेक हो, आपका डीपी फेक है, देखो आपका डीपी फेक है। ओके तो वानी कह रही है सर डेबिट का ज्यादा है, डेबिट का ज्यादा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहां पे आप लोग कह रहे हो कि सर डेबिट का जो टोटल आ रहा है ना, ये डिफरेंस डेबिट का 3,80,000 ज्यादा आ रहा है, ये जो डिफरेंस है ना डेबिट का 3,80,000 ये ज्यादा आ रहा है, डेबिट का 3,80,000 ज्यादा आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट में अगर 3,80,000 ज्यादा आ रहा है तो हमें क्रेडिट में लिखना पड़ेगा एक रिजर्व। क्रेडिट में कौन सा रिजर्व लिखेंगे हम? क्रेडिट में यहां पे मैं लिखूंगा टू कैपिटल रिजर्व। ये वानी ने मुझे बताया कि डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है, डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है तो हम क्रेडिट साइड में एक रिजर्व क्रिएट करेंगे 3,80,000।
ठीक है, कैपिटल रिजर्व इसको नाम देंगे। इनकेस मुझे बताइए अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा आता, अगर यहां पे क्रेडिट का टोटल ज्यादा आता तो हम क्या करते सर, डेबिट में गुडविल के नाम से डेबिट करते, गुडविल के नाम से हमें डेबिट करना पड़ता 3,80,000। इनकेस क्रेडिट का टोटल ज्यादा आता, इनकेस क्रेडिट का टोटल ज्यादा आता, ये चीज क्लियर है सबको, ये चीज क्लियर है। अभी डेबिट का टोटल ज्यादा है तो यहां पे कैपिटल रिजर्व लिखा, अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा होता तो मैं डेबिट में गुडविल लिखता। बट सर अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होता तो क्या गुडविल डेबिट होता क्या? कभी भी नहीं, वहां पे डेबिट क्रेडिट जो भी हो रिजर्व में ही होता। अगर अमेलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो डेबिट क्रेडिट जो भी हो कहां पे होता? रिजर्व्स में ही होता। गुडविल बनता? नो, गुडविल नहीं बनता। कहां पे होता? रिजर्व्स में ही होता। गुडविल बनता? नहीं बनता। सर तमे इंटरनेशनल मराठी बोलो छो, आ कॉमन लोकोना ने नहीं समझती। साची बात, साची बात, बिल्कुल साची बात नीरज, बिल्कुल साची बात। ओके ओके ओके, चलो चलो चलो। तो यहां तक क्या सभी के दिमाग में सारी चीजें गई? यहां तक क्या सभी के दिमाग में सारी चीजें गई? अगर ये चीज क्लियर है तो एक फिर हमारी फाइनल एंट्री बचती है जो मैं अब आपको बताऊंगा, एंट्री नंबर 4। क्या चीज सर? वो लिक्विडेटर्स को पैसा देना है। हमने क्या करना है? लिक्विडेटर्स को पैसा देना है। वी नीड टू पे द लिक्विडेटर्स, लिक्विडेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड को हमने पैसा देना है। लिक्विडेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड डेबिट कितना? 53,70,000 टू। क्या क्या दे रहे हैं सर? इनको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दे रहे हैं? 35,00,000 का, 35,00,000 का इनको इक्विटी शेयर कैपिटल दे रहे हैं। और क्या दे रहे हैं? टू प्रिफरेंस शेयर कैपिटल। ये कितना दे रहे हैं सर इनको? 18,70,000 ओके यस। यहां तक क्लियर सभी को? यहां तक सभी को क्लियर? टेल मी गाइस, यहां तक सभी को क्लियर? ये एंट्री सबको क्लियर हुई? ठीक है, क्लियर है सभी को, सभी को, सभी को, सभी को, सभी को, सभी को, ठीक है, सभी को क्लियर, सभी को क्लियर, सभी को क्लियर, राइट। तो ये हो गई हमारी जर्नल एंट्रीज। किस चीज की? ये हो गई हमारी जर्नल एंट्रीज व्हेन अमेलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ परचेज। जब अमेलगमेशन परचेज के नेचर का हो तो हमारी जर्नल एंट्रीज कुछ इस प्रकार से होती है। मैंने जूम आउट किया है कि आपकी स्क्रीन पे पूरी एंट्रीज एक साथ आ जाए, राइट। तो सभी लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्लियर सर? या गॉट इट। अच्छा चलिए, तो अब मैं आपको बताता हूं कि इस चीज के बाद ना अगले क्लास में हम इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अब जो मैं अमेलगमेशन के आपको क्वेश्चंस कराऊंगा ना, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको हर एक चीज, मर्जर हो तो क्या अकाउंटिंग, परचेज हो तो क्या अकाउंटिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये रिजर्व वगैरह में डिफरेंस आता है, ये पॉइंट नंबर 3 जो यहाँ पे है वो मर्जर में ऐसी थर्ड एंट्री अलग से पास ही नहीं होती थी, वहां पे ये थर्ड एंट्री सेकंड में ही मिक्स थी, ये सारी चीजें बताया। गुडविल कैपिटल रिजर्व यहां पे होता है, वहां पे केवल रिजर्व रिजर्व सब होता है, ये सारे डिफरेंस मैंने आपको बताए थे। अगली क्लास मतलब कल से जो क्लास रहेगी हमारी दोपहर को 2 बजे, उसमें मैं अब आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो कल से गाइज हमारी क्लास ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना। कल से हमारी क्लास इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर गाइज दैट यू डू नॉट मिस द क्लास, ठीक है। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 मतलब क्वेश्चन नंबर 5 जो था हमारे बुक का पूरा 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 कंसेप्चुअली आपको एक एक चीज कराई। अगले जो क्वेश्चन करेंगे वो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक क्वेश्चन करेंगे। डू नॉट मिस एनी लाइव क्लासेस फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। कल से 2 बजे से जो हमारी क्लासेस होगी, राइट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो चीज अटेंड कीजिए, ठीक है सर। मॉर्निंग की स्पेशल क्लास में मैं अभी स्पेशल क्लास लिया ही नहीं हूं। मैं लगभग पिछले थर्सडे से मैंने स्पेशल क्लास ही नहीं लिया हूं, ठीक है। तो टेंशन लीजिए ही मत, थर्सडे से मेरी स्पेशल क्लास ही नहीं हुई है। बहुत जल्द रीस्टार्ट करूंगा, आपको सबको पता चल जाएगा जब से मेरी स्पेशल क्लास वापस रीस्टार्ट होगी, राइट। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को आज के क्लास की सारी चीजें समझी हो।
जाने के पहले आपको वापस ये चीज बताना चाहूंगा कि गाइस व्हाई अन अकेडमी प्लस एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, प्लस एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इसलिए क्योंकि वहां पे हम जितनी भी फैकल्टीज है, ऑल वी फैकल्टीज आर डिवाइडेड इनटू वेरियस टीम्स, ऑल दीज फैकल्टीज आर डिवाइडेड इनटू वेरियस टीम्स। इससे क्या होता है, हम आपकी जो भी पढ़ाई है ना प्लस एन आइकॉनिक बैचेस में, प्लस एन आइकॉनिक बैचेस में आपकी पूरी कोर्सेज, आपकी पूरी पढ़ाई स्ट्रक्चर्ड तरीके से लाते हैं। एवरीथिंग इज प्लान्ड एंड ब्रॉट फॉरवर्ड। तो ये जो अलग अलग टीम्स है सबकी फैकल्टीज बैठती है, आपके कोर्सेज और आपके बैचेस को डिजाइन करती है, और हर एक टीम के कोर्सेज और बैचेज में आपको सी ए इंटर के 8 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। आपने अनअकैडमी का एक सब्सक्रिप्शन लेना है, आपको ये सारी टीम के सारे स्ट्रैटेजिकली डिजाइन्ड बैचेस का आपको एक्सेस मिलता है। Yes, और इसमें से आप अपने हिसाब से अपनी पढ़ाई भी कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको टीम 1 से कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ना है पढ़िए, टीम 2 से कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ना है पढ़िए, टीम 3 से कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ना है पढ़िए, या कोई भी एक टीम से सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना है आप वैसा भी कर सकते हो। देयर इज नो नीड टू जस्ट फॉलो अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर, आप उसको पूरा कस्टमाइज कर सकते हो। और ये एक जो आपको सब्सक्रिप्शन लेना है ना गाइज, उसके रेट्स क्या है, व्हाट आर द रेट्स फॉर दैट, हम आपको हाईएस्ट सब्सक्रिप्शन ऑफरिंग 24 महीने की देते हैं जो आपको 21,000 के बेस प्राइस पे मिलता है। मतलब 21,000 में सारे टीम्स की, सारी फैकल्टीज की लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, जिसमें रिकॉर्डेड आप अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हो। और इसमें एडिशनल एक और बेनिफिट मिलता है 10% का, अगर आप ये कोड यूज करते हो तो, इफ यू यूज द कोड तेजस 10 आपको एडिशनल 10% ऑफ मिल जाता है। यू गाइज गेट एडिशनल 10% ऑफ, राइट right? तो आपका 21,000 का भी जो कॉस्ट है ना वो नीचे उतर के 18,900 पे आ जाता है। मतलब 18,900 का जो हमारा हाईएस्ट प्राइस है उसमें आपको 8 सब्जेक्ट सीए इंटर के कवर कराए जाते हैं, जिसमें आपको सारी फैकल्टीज के सारे लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस मिलता है। तो पर सब्जेक्ट आपका कॉस्ट 2,000 या 2,500 जितना जाता है, और उसमें आपकी सारी चीजें, एवरी सिंगल थिंग गेट्स कवर्ड, एवरी सिंगल थिंग गेट्स कवर्ड। हर सब्जेक्ट की मल्टीपल फैकल्टीज मिलती है, सबके नोट्स का एक्सेस, सबके लेक्चर्स का एक्सेस, राइट right? तो अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आती है ना गाइज, तो मेक श्योर कि आप मेरा कोड तेजस 10 जरूर यूज करें। इफ यू गाइज लाइक द वे आई टीच, देन डू मेक श्योर कि आप मेरा कोड जरूर यूज करें। मैं मानूंगा कि आप लोग ने मेरा कोड यूज किया बिकॉज आपको मेरी टीचिंग पसंद आई, एंड यूजिंग दिस कोड फ्रॉम योर साइड इज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन टूवर्ड्स माई टीचिंग। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको कंसेप्ट समझ रहा है, आपको कॉन्सेप्ट समझ के क्वेश्चन पूरे समझ रहे, चैप्टर समझ रहा है, सब्जेक्ट समझ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, ये अगर मेरी टीचिंग से आपको फीलिंग आती है, देन मेक श्योर दैट यू यूज द कोड तेजस 10 व्हाइल टेकिंग द अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये चीज है रिगार्डिंग प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब एक बार आप लोग के कमेंट्स में पढ़ लेता हूं जाने के पहले। आप नौरा से फर्स्ट टाइम कब मिले यार? वो अब मुझे तो डेट भी याद है, टाइम भी याद है, सेकंड्स भी याद है, बट ठीक है वो हमारे बीच की बात है। नौरा मुझे बोलती है किसी को बताना मत, तो मैं बताऊंगा नहीं। जिसको सर आप पसंद आते हो उन्हें भी कोड यूज करना है ना, जिसको सर आप पसंद आते हो जी अरे 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 अरे, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे तो लड़कियों की अलग अपनी दोस्ताना चालू है। संकेत कह रहे चलो सर बाय, बहुत मजा आया, बाय संकेत, बाय बाय बाय। नौरा भाभी को हमारे ओर से हैप्पी होली विश कर देना। बिल्कुल 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 मुदित, बिल्कुल मुदित 100% कर देंगे। शिवांगी कह रही है कैसे प्राची, कुछ करो। ओके चलिए गाइस। तो अब हम क्या करते हैं, आज के सेशन को हम यहां पे करते हैं दी एंड करेंगे आज के सेशन का। आप सबको मैं विश करता हूं हैप्पी होली गाइस, हैप्पी होली। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी होली बहुत एकदम रॉकिंग और डैशिंग और टू गुड और ऑसम हो, एकदम ताबड़ तोड़ हो, इतनी 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 जबरदस्त हो कि आपको जीवन में किसी चीज की चिंता ही ना रहे। तो आपकी होली एकदम ही जस्ट टू गुड हो, राइट? यस। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हम आज का हमारा ये लेक्चर करते खत्म। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस डे ऑन होली। बहुत पढ़ाई कीजिए, बहुत मजा कीजिए, आज का दिन एंजॉय भी कीजिए, बट सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके, दोस्तों के साथ मत भग जाना होली वगैरह मनाने,
रिस्की हो सकता है, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, इंजॉय कीजिए, हैप्पी होली गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।